हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लड्डू गोपाल लाइफ में। आज हम कान्हा जी के लिए वाली सर्दियों के लिए कान्हा जी के लिए वाली ड्रेस बनाएंगे, जो बहुत ही इजी है और इसको हमने सिर्फ सीधी पट्टी के हेल्प से ही इसे पूरा ड्रेस को तैयार किया हुआ है। तो ये देखिए, मैं पहना करके आपको दिखा दे रही हूँ। ये इनकी पैंट है, तो ऐसे पहनाना है। अब बहुत ईजी है इसको बनाना। तो ये देखिए, यहाँ पर हम ले जा कर पीछे डोरी को ऐसे बांध देंगे या आगे ही बांध देंगे इनको लेटा करके आराम से। और ये इनकी चोली है, तो ये भी सिर्फ दो सीधी पट्टियों से ये बनी हुई है और इसमें कुछ नहीं किया गया है। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, आप भी बनाइएगा और अपने कान्हा को पहनाइएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा। ये देखिए, इनकी कैप भी है, ये भी मैंने सीधी पट्टी से ही बनाया और सभी साइज में आपको इसको बनाना बताऊंगी। मेजरमेंट पूरा मेरे पास इसका है। पिछली वाली वीडियो में इसी तरह की मैंने पिछले साल एक वीडियो डाली हुई थी, उसमें आप सब लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। वो 10 लाख के पास पहुँच रही है वो वीडियो, तो इसलिए आप भी इसको देखिए और अच्छे से अपने कान्हा जी के लिए बनाइए। ये मैं यहाँ पर 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये 10 नंबर की सिलाई ली हुई है और ये 2 रंग कलर का ऊन है। तो ये ऊन ना ज़्यादा मोटा है ना पतला है, ये ओसवाल वर्धमान का बेबी सॉफ्ट वाला ऊन है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह को फंदे में डालना है, फंदे को डालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डबल कर लेंगे। अगर डबल नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल ऊन से भी हम फंदे को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक हम फंदा बना करके गांठ लगा लेंगे ऐसे। और यहाँ पर देखिए, मैं 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 44 फंदे डालूँगी और इस तरह फंदा डालना। ये ऐसे एक बार इधर से लेंगे, फिर एक बार इधर से लेंगे। तो इसी तरह करके मैं यहाँ पर 44 फंदे डाल ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 44 फंदे डाल लिए हैं। और अब क्या करेंगे कि मैं ये पहली सिलाई उल्टी उल्टी पूरी बुन दूंगी। ये वाली सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। चलिए बुनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक सिलाई उल्टी उल्टी पूरी बुन लिया है। अब इधर तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर हम अपना दूसरा वाला ऊन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये सफ़ेद कलर का ऊन लगा रही हूँ। तो ऊन को हम गांठ नहीं लगाएंगे, इस तरह ले करके लगा देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, और साथ में दोनों ऊन को लेकर के बुनाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये 2 फंदे नहीं बनेंगे, इनको हम एक ही फंदा मान करके चलेंगे। और इधर से ये जो हमारा ऊन है, इसको हम दबाते जाएंगे तो यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगा इस तरह। और ये वाली सिलाई भी हम पूरी उल्टी 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 बुन लेंगे। तो चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कि क्या करना है। यहाँ पर देखिए, मैंने ये लास्ट में एक फंदा नहीं बुना है, इसको मैं उतार लूँगी और इसको हम एक साइड से बुनेंगे, एक साइड से उतार लेंगे। तो यहाँ पर किनारे पे हमारी बहुत अच्छी सी चोटी आ जाती है, जो हमें सिलाई करने में बहुत ही ईजी रहता है। तो अब यहाँ पर देखिए, हम उल्टी उल्टी पूरी सिलाइयाँ बुनेंगे। तो यहाँ पर हम 20 सिलाई बुनेंगे। तो इसको ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक पट्टी बुन करके रखी हुई है। तो यहाँ पर हम 20 सिलाई बुनेंगे। तो हमारा ये पूरा टोटल जितना है ग्रीन वाला और ये सारा मिला करके हम 20 सिलाई बुनेंगे, तो ये हमारी धारियाँ कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, इतना मैंने इसे बुन लिया है और ये उल्टे की इतनी धारी है। और यहाँ पर देखिए, हमारी ये चोटी आ गई है, जो फंदा मैंने उतारा हुआ था। अब इसे क्या करेंगे कि इधर से उल्टी की साइड से हम ये अपना दूसरा ये ग्रीन वाला फिरोजी वाला ऊन हम एक बार फिर से लगाएंगे और उल्टी सिलाई पूरा इसे हम बुन देंगे। तो चलिए बुन ले रही हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। अब इधर देखिए, हम आ गए हैं सीधे की तरफ। तो यहाँ पर भी हम एक सिलाई उल्टी पूरी बुनेंगे।
तो ये टोटल हमारा ये 20 सलाइयों में ये पूरा पट्टी तैयार हुई है, नीचे से लेकर के जितने जब से हमने फंदे डाले हुए थे उसकी उल्टा बिना हुआ है वो पूरा मिला करके हमने यहाँ पर 20 सलाई में ये पट्टी तैयार कर ली है। अब देखिए हम उल्टे तरफ आ गए हैं तो हम इन फंदों को, अब सारे फंदों को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो फंदे लिए हुए हैं और दो फंदे का मैं एक फंदा कर दूँगी। ये देखिए इस पर चढ़ा लिया और इसे घटा देंगे। इस तरह हम इसे पूरा उतार देंगे। ये देखिए हमारी ये पट्टी तैयार हो गई है। तो ये चोली के लिए हमारी देखिए दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई हैं, वो भी सीधी पट्टी है। फिर इसको मैं साइड में रखती हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये मेजरमेंट पूरा है 1 से लेकर के 10 तक। अब यहाँ पर ये नंबर है और ये फंदे हैं कि हमें इतने, मैं यहाँ पर 7 नंबर के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने 44 फंदे डाल रखे हैं। और कितनी सलाइयाँ बुननी हैं ये तीसरी वाली लाइन में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आपको बनाने में बहुत ईजी रहेगी देख करके। और ये देखिए ये चोली का नाप है हमारा, 2 लाइन तक यहाँ से यहाँ तक हमारा चोली रहेगा। और जो ये हमारा पैंट का है तो ये साइड वाला हम बढ़ा देंगे एक्स्ट्रा अलग करने के बाद, ये नीचे का पोर्शन में इसी में हमारा पैंट और चोली दोनों का नाप लिखा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए हुआ है तो उतने में हमारी ये चोली तैयार हुई है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख करके रखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि चोली का नाप कैसे बनाना है पैंट के नाप से देख करके। और ये हमारा कैप का है साइड में, ये नंबर है आगे वाला, कैप में कितने फंदे डालने हैं वो है। तो ये देखिए ये हमारा पैंट का नाप है। यहाँ पर मैंने जाली बना रखी, अगर आप जाली नहीं भी बनाएंगे तब भी आसानी से यहाँ पर डोरी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी मैंने देखिए 44 फंदे डाल रखे हैं पैंट में और ऊपर की 20 सलाइयाँ मैंने यहाँ पर बुन ली है टोटल। अब हम यहाँ पर हाफ कर लेंगे इसको। हाफ करने के बाद में हम, मैंने 7 नंबर के लिए बनाया है तो हाफ करने के बाद मैं यहाँ पर 16 सलाई बुनूंगी। मैं यहाँ पर 16 सलाई बुन के इसे तैयार कर दूंगी पूरा। तो अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा ऊन लगाएंगे। उल्टा उल्टा बुनेंगे तो यहाँ पर मेरी 2 धारियाँ उल्टे की जाएंगी। तो 2 धारी का मतलब है कि यहाँ पर हम 4 सलाई में हमारी एक उल्टे की धारी बन करके तैयार होती है। तो मैं यहाँ पर 4 सलाई से बुन लूँगी। फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि 4 सलाइयाँ यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर बुन लिया है और अब इधर साइड से हम इसे घटा देंगे। इस तरह हम घटा देंगे पूरे फंदों को।
और इसी तरह सेम इसी तरह हम इधर वाली भी पट्टी तैयार कर लेंगे। जैसे हमने उधर तैयार किया है, सेम इसी तरह हम इधर की भी तैयार कर लेंगे। तो चलिए तैयार कर ले रही हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए, ये हमारी पैंट की शेप तैयार हो गया है। और अब हम देखिए यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ से यहाँ सिलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ सिलेंगे, उसके बाद ये ऊपर का थोड़ा सा सिलेंगे और इतना हिस्सा खुला रहने देंगे, तो हम यहाँ पर डोरी डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं कैप बनाने जा रही हूँ, तो कैप के लिए यहाँ पर मैंने 7 नंबर के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 114 फंदे डालूँगी पूरे। तो चलिए फंदे को डाल ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ये सिंगल ऊन से फंदे को डाला हुआ है, काफ़ी मोटा हो जाता है ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंगल फंदे से डाला हुआ है। तो 114 फंदे मैं यहाँ 7 नंबर के लिए डालूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने पूरे फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने 90 फंदे डाले। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुन देंगे इसको, और ये जो छोटा वाला ऊन है इसको हम यहाँ पर ऐसे दबाते जाएंगे तो ये हमारा अंदर की तरफ दब जाएगा। तो चलिए ये सिलाई बुन ले रही हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। अब देखिए हम यहाँ पर अपना ये दूसरा वाला ऊन लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये ऊन लगाने के बाद मैंने एक फंदा किनारे का, उसे जो उतारने वाला रहता है सिलाई के लिए, उसे मैंने ऐसे ही बुन लिया है। अब यहाँ पर देखिए हम 3-3 फंदे एक साथ सिलाई में लेंगे और इनको एक फंदा कर देंगे, मतलब कि तीनों को घटा देंगे। इसी तरह हमें ये पूरे फंदे घटा देने हैं और बाकी के जितने फंदे बचेंगे वो हम बुनेंगे। और यहाँ पर देखिए जो मैंने ऊन लगाया हुआ था उसको मैंने यहाँ पर डबल करके बुन दिया है ताकि ऊन में गांठ ना लगाना पड़े और अच्छे से वो अंदर की तरफ फिक्स हो जाएगा, निकलेगा नहीं। अब ये पूरे फंदों को हम घटा देंगे, 3-3 करके बुन देंगे तो ये हमारे घट जाएंगे। तो चलिए घटा ले रहे हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे घटा लिया है। अब जितने फंदे बचे हुए हैं उनको हम बुनेंगे। इस तरह हम यहाँ पर देखिए गिन ले रहे हैं कितने हैं। जितने भी बंदे घटाने के बाद बचेंगे उतने ही इसे हमें बुनना है। अब देखिए यहाँ पर हम उल्टी उल्टी सलाइयाँ बुनेंगे। तो यहाँ पर मैं 18 सलाई बुनूंगी, यानी कि उल्टे की 9 धारियाँ बनाऊंगी, यहाँ पर बिनूंगी। और ये देखिए मैंने इसे तैयार कर लिया है, 9 सलाई बिन करके 9 धारी बना ली है मैंने यहाँ पर। और अब देखिए क्या करना है कि हम इन फंदों को घटा देंगे और जिस हिसाब से आप मतलब छोटी बड़ी कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप कान्हा जी के सिर में रख करके आप नाप सकते हैं कि हमारे कान्हा जी के कितना आ रहा है, उस हिसाब से भी आप बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो
तो यहाँ पर मैंने देखी 7 नंबर के लिए जो बनाया हुआ है, तो वहाँ पर मैंने देखिए 9 धारियाँ बुनी हुई हैं। तो आप 9 जब छोटा बनाएंगे तो उसमें आप कम कर देते करते जाइएगा, बड़ा बनाएंगे तो उसमें आप एक एक धारी बढ़ा दीजिएगा तो अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये अब हम सिलेंगे इनको। अब यहाँ पर ये हमारे पास 4 पट्टियाँ हैं, एक पैंट की है, 2 चोली का है और एक कैप के लिए है। और ये सारी हमने सीधी पट्टी ही तैयार की हुई है। अब इनको सिल करके हम तैयार करेंगे। तो चलिए सिल करके दिखाती हूँ इसे कैसे सिलना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर पैंट की सिलाई करेंगे। तो ये जो हमारा धागा निकला हुआ है तो इन दोनों को हम यहाँ पर बांध देंगे, ऐसे गांठ लगा देंगे। अब गांठ लगाने के बाद हम इसे सुई धागे से ऐसे ऊपर की तरफ इन धागों को कर लेंगे और यहाँ पर सुई धागे से हम सिलाई करेंगे। इस तरह चोटी से चोटी मिलाते हुए हम इनको ऐसे सिल देंगे। बहुत ही फिनिशिंग आती है इस तरह सिलाई करने में। और ये अब इसे हम काट देंगे, थोड़ी दूर तक हम इसे दबा देंगे ताकि ये दिखाई ना दे। पास से काटेंगे तो ये इसका खुलने का डर रहेगा, ऐसे थोड़ा सा दबा करके काटेंगे तो ये हमारा खुलेगा नहीं। अब देखिए यहाँ तक हम इनको सिल लेंगे। और अब इधर की ये दूसरे तरफ का सिलेंगे। इस तरह हम देखिए पूरे दोनों तरफ सिल लिया। अब ऊपर की साइड आएंगे इस तरह सुई को लेकर के, और यहाँ से थोड़ी दूर तक हम आधा जितना हमने ऊपर का हिस्सा बनाया हुआ है तो वहाँ से हम ये आधा 3 चोटी हम यहाँ पर सिल देंगे, पूरा नहीं सिलेंगे। सिलने के बाद यहाँ पर गांठ लगा देंगे। ये देखिए हमारी पैंट बन करके तैयार हो गई है। और यहाँ जो जाली बनी हुई है यहाँ पर हम डोरी डाल देंगे। अगर आप जाली नहीं भी बनाएंगे तब भी वे आसानी से डोरी यहाँ पे चली जाएगी। अब मैं यहाँ पर देखिए डोरी बनाना बता रही हूँ। तो इस तरह हम एक ऊन लेंगे और ऐसे करके यहाँ पर फंदा बना लेंगे। तो ऐसे करके अगर आपको क्रोशिया चलाना आता है तो आप इस तरह फंदा करके क्रोशिया से भी बना सकते हैं। अगर क्रोशिया नहीं चला पा रहे हैं तो फिर आप इस तरह डोरी बना लीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाती है। यहाँ पर ऐसे करेंगे और इधर से खींच लेंगे, फिर इसको ऐसे खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह, देखिए मैंने यहाँ पर एक लंबी सी डोरी बना ली है। और अब चलिए यहाँ पर हम कैप को सिलते हैं। कैप की सिलाई देखिए यहाँ पर इस तरह सिलेंगे, पूरी ऊपर नीचे से लेकर के ऊपर तक इसे हम सिल लेंगे।
अब यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं, तो ये जो हमारा जो गोला ऊपर का है जो हमने, तो यहाँ पर हम सीधे सिर्फ कच्चा करेंगे ऐसे, इसे हम सिलेंगे नहीं, सिंगल ले करके एक पूरे में गोलाई में इसे हम कच्चा कर देंगे इस तरह। और फिर कच्चा करने के बाद इसे हम पकड़ के ऐसे खींच देंगे, खींचने के बाद यहाँ पर ये दोनों धागों को पकड़ करके हम गांठ लगा देंगे। ये हमारी कैप सिल गई है और पैंट और कैप हमारी सिल गई है। अब चलिए हम चोली को, ऊपर की चोली हम सिलना बता रहे हैं कैसे सिलना है। तो ये देखिए हमारा ये, जैसे ये यहाँ से ये हाफ है, ऐसे मोड़ लेंगे तो पूरा ऊपर तक नहीं सिलना है, यहाँ से यहाँ तक सिलना है, थोड़ा सा 1 इंच तक ऊपर हम छोड़ देंगे और साइड में भी हम। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये इतना सिल लिया है और यहाँ पर मोड़ करके दिखा रही हूँ कि 1 इंच तक मैंने पीछे छोड़ दिया है, ये देखिए। यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे अच्छे से, और अब साइड में देखिए इसे, ये जो ऊन है इनको हम यहाँ पर गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद सेम उसी तरह हम ये उनको सिलाई करते समय ऊपर की तरफ दबा करके सिल देंगे। और यहाँ तक सिलेंगे, पूरा नहीं सिलेंगे, ऊपर बांह के लिए, आस्तीन के लिए हम वहाँ पर हाथ डालने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे और ऊपर का बस यहीं पर हम गांठ लगा देंगे, इतना हमारा खुला रहेगा। और सेम इसी तरह हम इस साइड भी सिलाई कर लेंगे। कितना इजी है स्वेटर बनाना ये वाला। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए अपने कान्हा जी के लिए, और वीडियो को बिना स्किप किए ही देखना, नहीं तो कोई ना कोई स्टेप आप भूल जाएंगे तो फिर आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। और यहाँ पर एक हम चिटपुट बटन लगा देंगे, तो चलिए लगा ले रही हूँ, ऐसे यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर लगा देंगे। तो पहनाने के बाद हम यहाँ पर इसे बंद कर देंगे। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको पहना करके दिखाया था कान्हा जी के लिए, कान्हा जी को। तो आप भी बनाइए और अपने कान्हा को पहनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।